हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाबाजी होम्स। एंड गाइस, आज आपका दिल ना खुशी से झूम उठेगा। आज का जो घर है वो बहुत ज्यादा प्यारा है, और प्यारा तो है ही, एक आलीशान सा महल आप जरूर इस घर को बोलने वाले हैं, बिकॉज इस घर में हर चीज आपको मिलेगी। ठीक, लग्जूरियस 200 गज का घर जिसमें आपको बहुत अच्छी स्पेस भी मिलने वाली है, ठीक है, और एडिशनल जो 150 स्क्वायर यार्ड का जो एरिया है वो एडिशनल मिलेगा, जिसमें आपको देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, लॉन, इतना बड़ा लॉन आपको मिल रहा है और पूरी ग्रीनरी मेंटेन्ड है, फाउंटेन लगा हुआ है, सेटिंग अरेंजमेंट्स हुए पड़े हैं। तो घर की जो स्टार्टिंग है ना, यहीं से शुरू हो जाती है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो माफी चाहूंगी पहले ही, ठीक है। सो अब बात करेंगे थोड़ी सी लोकेशन की, तो जरूर बात करेंगे। सबसे अच्छी बात है रेजिडेंशियल रीजन है दोस्तों, जहां पर आपको आसपास का जो एरिया है पूरी तरह डेवलप है, मार्केट आपके 2 कदमों के डिस्टेंस पे आपको मार्केट मिल जाएगी, फ्रंट रोड देखिए काफी वाइड है, 40 फीट वाइड फ्रंट रोड आपको मिल रही है, जहां पर आप देख सकते हैं पार्क्स भी अवेलेबल है, मार्केट भी अवेलेबल है, हर चीज आपको आपके वॉकेबल डिस्टेंस पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे एंट्रेंस देखिए कितनी प्यारी एंट्रेंस आपको मिल रही है घर की। सो घर में क्या है, इतना बड़ा घर है, पार्किंग आपको बहुत अच्छी मिल रही है, रैंप एरिया देखिए काफी वाइड रैंप एरिया आपको यहाँ पर मिलने वाला है फ्रंट पे, जहाँ पर आपकी 2-3 कार्स आप मुझे लगता है आराम से पार्क कर सकते हैं, है ना। तो ये एंट्रेंस गेट है एंड जो की है आपका रिमोट के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पे आप रिमोट कंट्रोल गेट है गाइज, इसलिए आप इसको रिमोट से खोलिए और अपनी जो बाकी कार्स हैं वो अंदर भी पार्क कर सकते हैं, बिकॉज रिजर्व पार्किंग आपको अंदर भी मिल रही है। तो देखिए कितनी अच्छी स्पेस मिल रही है, इस साइड लॉन है, इस साइड आपकी पार्किंग स्पेस है ना। तो घर की एलिवेशन देखिए, बहुत प्यारी एलिवेशन है घर की, और इतनी ज्यादा खूबसूरत एलिवेशन है घर की, आप खुद सोचिए एक्सटीरियर कितना, इंटीरियर जो घर का है वो कितना ज्यादा सुंदर होगा। तो यहाँ पर है 3-स्टेप एंट्रेंस जो कि काफी वाइड है, ग्रैंड एंट्रेंस आपको मिलेगी घर में, इतना लग्जूरियस सा ग्रैंड सा घर है, सो ग्रैंड एंट्रेंस तो मिलनी बनती ही है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए विंडोज से अगर मैं बात करूँ, देखिए बड़ी बड़ी विंडोज है, टफन ग्लास लगा हुआ है, इस साइड भी देखिए बड़ी विंडोज है, ऊपर देखिए कैमरा लगे हुए हैं, पूरी तरह सिक्योर घर है दोस्तों ये। देन मेन एंट्रेंस की अगर मैं बात करूँ ना, पूरे शिद्दत से आपको यहाँ पर वर्क दिखाई देने वाला, दिस इज योर वायर मैश डोर, जहाँ पर हाइट तो आपको ग्रैंड मिल ही रही है, वर्क भी उससे भी ज्यादा ग्रैंड आपको वर्क मिल रहा है, ठीक है। एंड दिस इज योर मेन डोर गाइस, देखिए मेन डोर की भी हाइट बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी एंट्रेंस आपको मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है आपको डिजिटल लॉक की। तो ये घर की मेन एंट्रेंस है दोस्तों। तो लॉबी एरिया में देखिए स्पेशियस लॉबी एरिया आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिलने वाला है, और देखने वाली बात क्या है इस घर में, देखिए बड़ी बड़ी विंडोज हैं इस घर में, आप खुद ही देख सकते हैं, टफन ग्लास लगा हुआ है ना, बहुत प्यारी एक वाइब्स आएंगी आपके लॉबी एरिया में, वॉल पे बड़ा ही यूनिक सा हाई क्लास वर्क आपको मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रूफ पे भी देखिए मिनिमलिस्टिक बट सेम टाइम क्लासी वर्क है, एंड लुक एट दैट पार्टीशन वर्क गाइस, देखिए बिल्कुल ही डिफरेंट पार्टीशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है, बिकॉज ये चीजें बड़ी यूनिक बना रही है इस घर को, है ना। तो इसके साथ क्या है, पार्टीशन तो आपको यहाँ पे मिल ही रही है, सो बिल्कुल आप इसको लॉबी एरिया बना सकते हैं, इस साइड अपना आप, वैसे तो लॉबी एरिया ही पूरा, बट आप यू नो अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हैं जैसी मर्जी, स्पेस आपके सामने है, डिजाइनिंग आपके सामने है, है ना, आप खुद ही देख सकते हो, बहुत प्यारा घर है। तो शुरू होगी है घर की ब्यूटी यहीं से ही, और ये देखिए एलईडी पैनल है जिसमें कि जो बड़ी सी एलईडी आप देख रहे हैं इंक्लूडेड रहेगी दोस्तों, एंड यहाँ पर जो एक वाइब्स है ना जो अभी एट प्रेजेंट आपको आ रही है, ऑल टाइम आपकी आती रहने वाली है, नीचे भी बड़ी प्यारी सी स्टोरेज है, और इंटीरियर घर का ऐसा है कि स्टोरेज लग ही नहीं रही है, पूरा ही एक ब्यूटीफुल सा इंटीरियर वर्क आपको मिल रहा है ना। तो साथ में अब मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड आ गई आपकी किचन दोस्तों, किचन में सबसे अच्छी बात क्या, सेंट्रलाइज किचन आपको मिल रही है, ठीक है, तो आपको देखते तो फुली मॉड्यूलर किचन है, तो माना जाता है वास्तु के अकॉर्डिंग जो किचन में ही मंदिर होना चाहिए, तो हमने आपके लिए ये स्पेस निकाली है, डिजाइनिंग पूरी की है आपके लिए,
आप यहाँ पर पूजा रूम पूजा स्पेस अपना बना सकते हैं एंड यहाँ से आपकी किचन हो जाती है शुरू, जहाँ पर हर चीज आपको आपकी आंखों को भाने वाली है। बहुत सुंदर किचन है, ठीक है। यहाँ पर बड़ी विंडो है, देखिए ये आपके 4 सेट टैप्स आगे रोटेशनल टैप्स हैं, है ना। सो दोस्तों किचन में इस साइड भी आपको स्टोरेज मिल रही है, पूरी ही यू शेप की किचन है एंड पूरी तरह फुल्ली मॉड्यूलर किचन है। अप्लायंसेस आपको सारे इंक्लूड रहेंगे, ओटीजी, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, ईच एंड एवरीथिंग, चिमनी, हॉब, हर चीज ब्रांडेड रहेगा, क्वालिटी का वर्क आपको मिलेगा। तो अच्छी बात क्या है, उस साइड आप एक्सेस कर सकते हैं अपने यूटिलिटी एरिया को किचन से भी, ठीक है। वो मैं बेडरूम से एक बार आपको दिखाऊंगी। तो फर्स्ट बेडरूम आपको हमने दिया है किचन के साथ ही आई, और वुडन फ्लोरिंग दी है आपको आपके बेडरूम में। सो दिस इज योर मेन मास्टर बेडरूम दोस्तों, जहां पर देखिए बड़ा प्यारा इंटीरियर है, रूफ पे बड़ी प्यारी लाइटनिंग है, यहाँ पे वॉल पे बड़ा प्यारा सा वर्क आपको मिल रहा है। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ ना कबर्ड्स की, पूरी वॉल को हमने स्टोरेज कन्वर्ट कर दी आपके लिए, और यहाँ देखिए दिस इज योर सेटिंग अरेंजमेंट। सो दिस इज योर फुली मॉड्यूलर बेडरूम आप बोल सकते हैं, और रूफ तक स्टोरेज है, बहुत प्यारी डिस्प्ले भी कर सकते हैं, हर चीज का बड़ा प्यारा सा लुक दिया गया है। LED पैनल है इस साइड, ठीक है। एंड दिस इज योर ड्रेसिंग लुकिंग मिरर, ठीक है। स्टोरेज है अच्छी खासी, देखिए बहुत प्यारा क्लासी सा वर्क आपको मिल जाएगा। इस साइड भी स्टोरेज है, तो यहाँ पर भी आप जितना चाहें अपना स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डोर देख रहे हैं, दिस इज योर अटैच वॉशरूम, एंड वॉशरूम भी बहुत प्यारा है, बिकॉज आपको हर चीज की फिटिंग आपको मिल रही है। देखिए जैगवार ब्रांड है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वैनिटी बड़ी अच्छी आपको स्टोरेज के साथ मिलने वाली है, बड़ी विंडो, दिस इज योर WC गाइस, एंड मिरर है, ठीक है। एंड इस साइड अगर आप वॉशिंग एरिया की अगर मैं बात करूँ, जो आपका वॉशिंग एरिया है शावर क्यूबिकल के साथ, बहुत ही प्यारा सा आपको सेपरेट एक हमने एरिया दे दिया, ठीक है। सो दिस इज योर मास्टर वॉशरूम गाइस, बहुत प्यारी क्वालिटी का वर्क इस घर में आपके लिए अवेलेबल है। और बेडरूम में क्या, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज योर एक्सेस डोर, आप यहाँ से अपने जो यूटिलिटी एरिया उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पूरी तरह कवर है टाइल के साथ, वाटर का प्रोविजन है, हर चीज आपको मिलेगी, स्पेस ही स्पेस आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ इस ग्राउंड फ्लोर का जो बेडरूम नंबर 2, ठीक है। तो बेडरूम नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो मिडल में तो आपको मिल जाती है बड़ी प्यारी सी स्टेयर्स, डुप्लेक्स घर है, शाही सा, रॉयल सा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको लेकर जाऊंगी अभी थोड़ी ही देर में, ठीक है। इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आपका बेडरूम नंबर 2 गाइस, आइए। ये मेन एंट्रेंस पे ही हमने आपको दिया है, तो आप इसको गेस्ट बेडरूम भी बना सकते हैं। स्पेस देखिए बड़ी प्यारी है, रूफ पे वर्क है, एंड सबसे अच्छी बात क्या होती है एक बेडरूम की, आपको क्या लगता है, उसकी विंडोज गाइस, बड़ी विंडोज होती है ना, तो बेडरूम की जो लुक है वो ऑटोमेटिकली ही शाही सी आ जाती है, तो वो चीज मिलती है। LED पैनल आपको मिल रहा है बड़ा प्यारा सा। इस साइड अगर आप देखेंगे कबर्ड्स हैं आपके लिए बहुत प्यारे, एंड यहाँ पर है आपका अटैच वॉशरूम गाइस, अगेन बहुत प्यारा। तो विजिट कर सकते हैं इस घर को, दिस इज द ओनली हाउस इन दिस रीजन गाइस, एक पॉश सा एरिया में एक पॉश सा घर हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट फ्लोर इस घर का, आइए भाई। ब्यूटीफुल से स्टेयर से हम जाएंगे, देखिए स्ट्रिप लाइट्स हो, इतने प्यारे प्यारे स्टेप्स हो, और ये देखिए ग्लास के साथ बड़ा ही प्यारा सा एक डिजाइन स्टेयर था। कैसी लगी स्टेयर, सुंदर लगी ना, बहुत प्यारा वर्क आपको इस घर में मिला। देखिए फर्स्ट फ्लोर है आपका, और लुक एट दैट शैंडलियर गाइस, ब्यूटीफुल शैंडलियर है जो इसकी शोभा बढ़ा रहा है ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक, है ना। एंड इसके अलावा देखिए यहाँ पर भी लॉबी एरिया है, बहुत ही ज्यादा स्पेशियस। एंड लॉबी एरिया में हमने आपको दिया LED पैनल, बिकॉज लॉबी एरिया में LED पैनल हो, हम अपनी मूवीज एंजॉय करेंगे फैमिलीज के साथ, है ना, सीरीज एंजॉय करेंगे उस पर्पस। रूफ पे वर्क है बड़ा प्यारा सा। एंड यहाँ पर देखिए ये है आपका डेक स्पेस गाइस, तो बिल्कुल अपने लॉबी एरिया से यू कैन हॉप ऑन योर डेक, इतना ब्यूटीफुल सा डेक स्पेस है, बैल्कनी है आपकी रूफ पे, देखिए कितना प्यारा वर्क है ना। एंड दिस इज योर मेन बैल्कनी गाइस, देखिए
एंड यही व्यू आपको आने वाला है फ्यूचर टाइम में। पूरी तरह रेजिडेंशियल रीजन है, सिक्योर बैल्कनी है आपकी। सो आइए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ एक जो आपका नेक्स्ट बेडरूम है उसकी तरफ। तो यहाँ पर है आपका थर्ड बेडरूम, ठीक है। सो देखिए स्पेस यहाँ पर भी अच्छी आपको मिल रही है, रूफ पे लाइटनिंग का वर्क है, ठीक है। लाइटनिंग भी है, मिनिमल स्टिक्स का बड़ा क्लासी सा वर्क है रूफ पे एक्चुअल में। LED पैनल है बड़ा प्यारा सा यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल रहा है दो आपकी बड़ी विंडो, इस साइड भी विंडो आपको मिल रही है, दो विंडोज मिल रही है इस बेडरूम में आपको, और वो भी बड़ी बड़ी टफन ग्लास के साथ। और यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट आपको मिल रहा है वॉकिंग वार्डरोब्स, देखिए बड़े ही प्यारे से वार्डरोब्स है रूफ तक। एंड साथ में देखिए ड्रेसिंग एरिया भी आपको मिल रहा है। तो सामने आप देख सकते हैं आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाता है, साथ में अटैच वॉशरूम है। तो ये चीजें हैं जो एक्चुअल में हम प्रेफर कर रहे होते हैं जब इतना एक्सपेंसिव सा घर हम देख रहे हैं। और जो घर है बहुत ज्यादा शाही सा घर है, बड़ा अमीर सा घर है ना, उस तरह का ही वर्क है। देखिए वाह क्या कमरा है यार, इतना बड़ा रूम आपको मिल रहा है, देखिए आप खुद ही देखिए, इसे तो मास्टर बेडरूम को भी फेल कर दिया, इतना बड़ा रूम है। और वर्क भी देखिए क्या बढ़िया वर्क आपको यहाँ पर मिल रहा है, वॉलपेपर देखिए वुडन के साथ जो कारीगरी की गई है ना, मैं तो यही बोलूंगी, वो आप देखिए यहाँ पे बैक वॉल पे। रूफ पे देखिए लाइटनिंग लगाई है, बट ये चांद सितारों जैसी लग रही है कि एक रूम में ना जो खुशी होती है ना वो दुगनी हो जाए, है ना, छोटी छोटी चीजें। LED पैनल देखिए कितना बड़ा है, स्टोरेज के साथ है, और बहुत प्यारा सा इंटीरियर दिया है। एंड विंडो यार, इतने बड़े रूम में इतनी बड़ी विंडोज मिल जाए टफन ग्लास के साथ, उसका जो मजा है उसका तो मैं क्या ही बयान करूँ, है ना। एंड अब मैं दिखाती हूँ आपको, आइए आपका ओ माय गॉड गाइस, देखिए लुक एट दैट कबर्ड्स आपका, दिस इज योर वॉकिंग वार्डरोब्स। एंड ये चीज आपको यूनिक मिल रही है इस घर में, आप खुद ही देखिए क्या बढ़िया वर्क आपको यहाँ पर मिल रहा है कबर्ड्स का। देखिए पूरी ही रैप अराउंड कबर्ड्स आपको मिल रही हैं, एंड स्टोरेज ही स्टोरेज है। एक बार मैं आपको खोल के तो जरूर दिखाना चाहूंगी, बिकॉज मेरे से तो रहा नहीं जा रहा इसको खोले बगैर। देखिए वाह क्या बढ़िया कबर्ड्स हैं यहाँ पर, और जो क्वालिटी है ना इस मटेरियल की वो तो मेरे शब्दों से भी परे है, ठीक है। सो इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको लुकिंग मिरर भी मिल रहा है, इस साइड भी स्टोरेज आपको मिल रही है ना, और इस साइड देखिए आपका अटैच वॉशरूम है। और वॉशरूम में बड़ा ही रॉयल सा ब्लैक का कंसेप्ट रखा है, जो अपने में ही एक रॉयल्टी का प्रतीक है कलर, है ना, तो वो आपको मिल रहा है। देखिए वैनिटी है, बड़ी प्यारी सी स्टोरेज है, और स्पेस ही स्पेस है, एंड पूरी तरह एक लग्जूरियस सी फीलिंग आ रही है इस घर में ना यार। वॉशरूम से लेकर आपके जो एलिवेशन है ना वहाँ तक पूरी ही एक आपको रॉयल सी फीलिंग आ रही है इस घर में, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों तक, है ना, हर चीज़ आपको क्लासी सी वाइब्स देने वाली है। तो यही तो खूबी है इस घर की, और लोकेशन तो मैंने आपको बताई ही दी स्टार्टिंग में, बहुत प्यारी है ना। तो यहाँ पर एक एक्सेस डोर आप देख सकते हैं, तो ये आपका बैकयार्ड का एरिया है, आप फेंसिंग हुई पड़ी है, आप यहाँ पर भी आ जा सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए भी बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। सो क्या ख्याल है इस घर के बारे में, तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आइए, और बाबा जी होम्स का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन भी लीजिए इस घर के बारे में। तो चलिए सेकेंड फ्लोर दिखाती हूँ मैं आपको, उसी से सुंदर सी जो स्टेयर्स हैं कंटिन्यू हो रही हैं, एंड ये जो स्टेप्स पे वर्क है ना गाइस, ये तो मुझे वर्क भी नहीं पता इसके बारे में, तो आप विजिट कीजिए फिजिकली तो आपको क्वालिटी का अंदाजा हो जाएगा इस घर का। आइए दोस्तों वाओ वाला घर है, एंड दिस इज योर कॉमन एरिया बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए जरा इधर तो नजर मारिए कितना बड़ा LED पैनल है, ठीक है, यूनिट भी बहुत बड़ा लगाया है आपके लिए, सो दैट जो फीलिंग है वो पूरी आपको मिले यहाँ पर भी। आप यहाँ पे एक्सेस देख सकते हैं, आइए ये है आपका पार्टी एरिया। पार्टी एरिया कैसे, देखिए वॉशिंग एरिया आपको मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं, लाइटनिंग क्या बढ़िया लाइटनिंग मिल रही है, और देखिए चेयर्स हैं रोटेशनल। एंड यहाँ पर देखिए ये लुक तो देखिए एक बार, वाव वाले लुक है, तो पार्टीज कोई क्यों ना करेगा। और यहाँ पर पूरी ही स्पेस आपको मिलती है, तो दिल खोल के कीजिए पार्टीज इस घर में।
आप ही का घर होगा। और अच्छी बात क्या है, 200 गज का घर है, 150 गज की जो स्पेस है वो एडिशनल है, जहाँ पर आप छोटी मोटी गेट टुगेदर्स कर सकते हैं और पार्टी एरिया तो मिल ही रहा है। एंड सबसे अच्छी बात क्या है, आपको पाउडर एरिया भी इस लॉबी एरिया में हमने दिया है इस साइड, ठीक है। तो पार्टी कर रहे हैं, बार बार नीचे क्यों जाना, यहाँ पर हमने क्यूट सा आपको वॉशिंग एरिया भी दे दिया। यहाँ पे आपके WC आ गए, फिटिंग्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए रूफ तक टाइल वर्क है, पूरी अच्छी खासी फिटिंग आपको मिलती है। एंड यहाँ पर भी देखिए एक डोर है, आइए दोस्तों। एंड दिस इज योर मेन टेरेस, मुझे तो लगता है 3-4 स्पॉट्स हैं यहाँ पर पार्टी करने के। एक तो फ्रंट पे ही आपको मिल रहा है 150 गज की स्पेस, ठीक है, एक अभी मैंने आपको दिखाया। एंड दूसरी ये टेरेस की स्पेस गाइस, 3-3 पार्टी एरियाज आपको मिल रहे हैं, इतनी अच्छी स्पेस है, लाइटनिंग है, बहुत प्यारा सा एरिया है, तो जैसे चाहें इसको यूज कीजिए ना। सो गाइस, कैसा लगा ये महल आपको, बिकॉज ये महल से तो कम नहीं है, 200 गज का घर है, 5 बेडरूम हाउस है, बहुत प्यारा इंटीरियर है। एंड ये देखिए पार्टी एरिया आपको मिल रहा है ना, तो ये चीजें इस घर में आपको मिल रही हैं। और आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आपको सिर्फ जाना है और कॉल करना है बाबा जी होम्स को इस घर के लिए। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, आपकी रियल एस्टेट कंसल्टेंट, बहुत जल्द हम मिलेंगे एक अदर वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार जी।